सेकंड से कम समय उसको देखा और पहचान लिया। इतनी गजब की परख शक्ति थी उनकी। उसने वहीं से रोका, बच्चे वहीं खड़े हो जाओ, ये महाकाली की गोद है, संभल कर आना। उसकी रूह कांप गई, हाथ पैर कांप गए। मेरे मन के भाव को इतनी दूर से पहचान लिया इसने, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। अगर वो महालक्ष्मी मां जगदम्बे रूपा है तो वो महाकाली भी है। उसने क्षमा याचना की मम्मा से, सच में मामा मैं बहुत बुरी भावना से तुम्हारे पास आया था, और उसकी पवित्रता उसकी शक्ति ने मां बुलवा दिया उसके मुख से। तो ऐसी गजब की परख शक्ति की जरूरत है हमें, कि हम दूर से ही एक सरा कर ले कौन किस भाव से मेरे पास आ रहा है। और ये परख शक्ति, ये अष्ट शक्तियां केवल शिव के साथ योग लगाने से ही प्राप्त होंगी। जितना जिसका गहन योग, उतनी उसकी शक्तियों की परसेंटेज बड़ी है। तो ये वो पूछता है या नहीं? एक तो इस प्रकार के जो भी गेम करते हैं, ये महा 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 पाप है। सीधा भगवान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये। इसे धर्मराज भी कभी माफ नहीं करेगा, ऐसा गेम ना खेले हम। दूसरी बात, ऐसे गेम में फंसे भी नहीं हम। दूसरी बात, अगर मेरे भोग में भावनाएं हैं तो 101% पहुंचता है वो बाबा के पास। जब बाबा व्यक्त हुए, तीनों टाइम भोजन का भोग लगता था, 1-2 मिनट का मैसेज भी आता था। एक बार हमारी दीदी है बड़ी कैलाश दीदी, उनको भोग लगाने भेजा। वो शुरू से ही ट्रांस में जाती है जब से वो छोटी है। बाबा के सामने आई है, बाबा ने सीन दिखाया बटन में उनको कि वो थाली लेकर आई। बाबा ने एक डब्बी खोली, उसमें से सांप निकल के भागा। वो डर गई कि मैं तो भोजन लेकर आई थी, ये सांप कहां से आ गया डब्बी में। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, मिस्टेक कहां हुई है, जाकर देखो। अब वो भागी हुई नीचे आई वापस और भंडारे में थाली लेकर गई। जो निमित्त आत्माएं थे उन्होंने सबको बुलाया कि आज बाबा ने ऐसा ऐसा कुछ दिखाया है हमको। सबने वो डब्बियां खोली एक एक करके, सब कुछ ठीक था। लास्ट में एक डब्बी खोली जिसमें पनीर की सब्जी थी या चावल था शायद, उसमें इतना लंबा बाल पड़ा था, उस बाल का सांप दिखा दिया। तो जब दोबारा भोग लेकर गई तो उसने पूछा, बाबा आपने तो बाल का इतना बड़ा सांप दिखा दिया। कहते बच्ची ये सूक्ष्म बटन है, यहाँ छोटी चीज भी क्या दिखाई देती है, बड़ी देती है। सूक्ष्म बटन, छोटी चीज बड़ी दिखाई देती है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम किसको भोग लगाने आए हो, किस तरीके से लगाना चाहिए, तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कल तक तो प्रसाद चढ़ाकर अपने को अति सौभाग्यशाली समझते थे, अब सामने खिलाने का मौका मिला है। हमारे घर में यदि आर्थिक स्थिति अच्छी भी ना हो तो भी एक डाइनिंग टेबल होता है, एक घर के कोने में पड़ा होता है कि नहीं, एक डिनर सेट भी होगा। मैं भले जमीन पे खाऊंगी, भले मैं डाइनिंग यूज नहीं करती, पर कोने में है रखा हुआ, टूटी फूटी स्टील की प्लेट में खाना खाऊंगी, पर डिनर सेट भी है मेरे घर में, उन्हें मैं यूज नहीं करती। वो किस लिए है? मेहमानों के। अगर नहीं भी है, कोई स्पेशल मेहमान आ गए तो पड़ोसी से हाथ लाइए। मेहमानों की हम इतने अच्छे से खातरी करते हैं, उनके लिए डाइनिंग भी रखते हैं, उनके लिए डिनर सेट भी रखते हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा बनाते भी हैं, परोसते भी ढंग से हैं। हमारे घर में खुद इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का, तीनों लोगों का सबसे बड़ा मेहमान छत करके आया है, उसे हम कैसे भोग लगाते हैं? देदारियों के लिए महंगे महंगे डाइनिंग, महंगे महंगे
तरीका कैसा होना चाहिए, उससे बड़ा डीआईटी कोई होगा क्या? होगा? अफसोस हुआ, मैंने एक जगह देखा डिस्पोजल प्लेट, बड़ा सा प्रोग्राम हो रहा था वहां, उसमें पहले तो चावल रखा, फिर दाल डाल दिया, फिर उसके ऊपर सब्जी डाल दी, फिर उसके ऊपर रोटी रख दी, कहा जा रहे बाबा को भोग लगाने से, तो खा सकते हैं। तुम्हारी इन सब्जी रोटी चावल का भुगतान नहीं है, वो किसका भुगतान है? उसमें बाद में दिखाई देगी, लेकिन भोग लगाना कोई काम होता है नहीं, कि ब्राह्मण परिवार की प्रथा है भोग लगाकर ही खाएंगे, काम उतारो नहीं, तुम्हारा ऐसा भोग नहीं चाहिए उसको, उसको केवल भावना प्रदान, भले तुम कुछ भी ना, एक फूल भी रखो तो उसमें इतनी भावना कर दो कि वो भूखा भगवान उस फूल में से भी भावना लेकर के तृप्त तो हो जाए, आनंदित तो हो जाए। भावना का होना जरूरी है, काम उतारना नहीं। खूटी पे बाबा लेटा है, नीचे थाली पटक दी, क्या क्या बाबा को भोग लगा दिया, अपने घर के सदस्यों को भी चार बार जाके पूछते हैं, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, कुछ और चाहिए, बाबा के पास 5 मिनट भी बैठने का वक्त नहीं है हमें, कि हम 5 मिनट तसल्ली से ध्यान से बैठे तो सही। इसी तरह से एक बार बाबा ने कुमारों की बट्टी की, मधुबन में सभी भारत से कुमार आए थे, बाबा भी मिलने आए, बाबा बहुत गहरी गहरी बातें कुमारों से कर रहे थे, अचानक बाबा की लहर बदली, क्योंकि लहर ही बाबा है, वो तब लहर बदलते कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए बाबा का एक नाम क्या है, लहरी बाबा, उसकी लहर बदलती रहती है। बाबा ने कहा कुमार बच्चे भी बाबा को बहुत प्यार करते, हम भी पीछे पीछे बैठे थे, कम से कम 15 साल पहली बात होगी, तो बाबा ने कहा जो कुमार बच्चे हैं ना, जो घरों से बाहर रहते हैं, बाहर का तो वो खाते नहीं, खुद बनाते हैं, पर बाबा को इतना प्यार करते हैं कि बाबा को भूख लगाए बिना नहीं खाते। फिर बाबा मुस्कुराए, कुमारों को दृष्टि दी, फिर बाबा ने कहा पता है बच्चे भूख कैसे लगाते हैं, तो परमिशन भी बता लो, बता दू? तो सबने कहा हाँ बाबा बताओ। तो बाबा ने कहा कुमार बिजी बहुत होते, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं होता, रोटी चपाती से मुक्त रहते हैं, पुलाव खिचड़ी पुआ सबसे फेवरेट खाना होता है उनका, कुकर में सीटी लगाएंगे, फिर ढक्कन खोलेंगे और कुकर ही बाबा के सामने रख देंगे, बाबा इसलिए खा लेंगे, बिजी बोल तू, बाबा भी ऐसे ही हंसे जैसे आप हंसे। बाबा ने कहा बच्चे को कितना भी बिजी क्यों ना हो, खुद कुकर में खाएगा क्या, अपने लिए तो प्लेट में निकालेगा कि नहीं निकालेगा, नहीं तो जब बच्चा नहीं खा सकता कुकर में तो बाबा कैसे खाएगा, खा सकता है क्या, नहीं खा सकता, तो बाबा का इशारा था ये कि देखो कुमार भोग तो लगाते पर तरीका क्या है, और इंडिया में सभी स्टेट में सभी बड़े सेंटर्स में ये क्लास मैंने कराई है, हर सभा में से एक दो कुमार जरूर मिलते हैं, कहते बहन जी हम भी ऐसे लगाते हम भी कुकर में ही भोग लगाते थे, जब बहुत ज्यादा बिजी होते जल्दी में होते बाबा के सामने कुकर ही रखते थे, तो केवल भोग स्वीकार ही नहीं करता, उसकी निगरानी में भोग बनता भी है। एक बार किसी सब्जी में नमक डालना भूल गए, फिर भोग की थाली गई, फिर बाबा मुस्कुराए, बाबा ने थाली पकड़ी नहीं, बाबा ने कहा बच्चे जाकर चखो और देखो गलती कहां हुई है, फिर से थाली वापस आए, फिर भंडारी के पास पहुंचे कि बाबा ने आज भोग नहीं लिया, बोला कुछ तो गलती है, चखो पहले से, तो जो निमित्त आत्मा की उसने चखा तो एक सब्जी में नमक नहीं था, तो उसकी निगरानी में बना या नहीं बना, नमक डालना भूल गए, बच्चों को नहीं पता पर उसको पता है। अब ऐसा नहीं कि बाबा को कोई लो या हाई दीदी है कि उसे नमक वाला या बिना नमक वाला ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है, परंतु बाबा ब्रह्मा भोजन का बहुत रिस्पेक्ट करते थे,
बाबा कहते थे बच्चे ये दुख भंजन भोजन है, अगर इसे तुम प्रेम से श्रद्धा से भाव से खाओगे तो ये तुम्हारे बताने कितने दुखों को कितने कष्टों को हर लेगा, तुम्हारे कड़े संस्कारों को खत्म कर देगा, मन की बीमारियों को नष्ट कर देगा, इंजेक्शन की तरह काम करेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा भोजन है, इसमें शिव की डायरेक्ट शक्ति भर के आती है। परंतु कंडीशन तुम्हारा भाव कैसा है उसको स्वीकार कर लेगा। अब उसमें नमक नहीं है सब चीजें, बाबा को भोग लगती गैल बजता है, रिकॉर्ड बजता है और सब खाने पर टूटते हैं। उस समय जो भी बाबा के बच्चे थे उस बिना नमक की सब्जी को खाते, कोई नाक चढ़ाता, कोई फेंकता, कोई खाता, कोई क्या करता, तो ये ब्रह्मा भोजन का अपमान होता। इसीलिए बाबा ने ये मिस्टेक ठीक कराई और उस दिन से ये आदेश दिया कि जो निमित्त आत्मा है भंडारे की, वो पहले भोजन को एक केवल एक चखे, उसके बाद बाबा को भोग लगाए। और उस दिन से ये प्रथा शुरू है, जब सूर्य भाई वहां होते हैं कहीं भी तीनों जगह में, तो वो भोजन को चखते हैं पहले, केवल एक, यानी कि सभी चखा चुकी शुरू कर दो। कई हमने देखा है माताओं की आदत होती है, बहनों की आदत होती है, भोजन बना रही है इधर से भी उधर से भी ऐसे, और उसको खाने वाले की भूख ही खत्म नहीं होती, वो भूखे रहते हैं, वो भी ढूंढते रहते हैं उधर कुछ पड़ा है क्या, कुछ मीठा है क्या, कुछ ये है क्या, क्योंकि जैसे भाव से बनाया वैसा ही खाने वाले की आदत हो जाएगी। इसीलिए रसोई में जाकर मुंह बंद, जब तक हम भगवान का भोग बना रहे हैं पहले खुद को तृप्त कीजिए। हम जगन्नाथ पुरी गए, कहते वहां जगन्नाथ जी को 56 प्रकार के भोग लगते हैं कई बार दिन में, तो वहां के लोग उनको पेटू जी भगवान भी बोलते हैं, वो खाते हैं 56 प्रकार का भोग बनता है वहां पे, और दिन में कई बार बनता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उनको कि यहाँ के जो पंडित हैं जो भोग बनाते हैं, यहाँ का नियम क्या है कि भोग बनाने से पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह से छका दिया जाता है, खिला खिला के बहुत अच्छी तरह से उनकी भूख खत्म कर दी जाती है, जबरदस्ती रख उनको बोल बोल के ये भी खाओ, ये और खाओ, और खाओ, और खाओ, यहां तक भर दिया जाता है, और फिर उनको कहते कि अब बना। तो वो तृप्त मन से मनाते थे, उन्हें भूख नहीं लगती, उनकी आसक्ति नहीं जाती, इच्छा नहीं जाती, तृप्त मन से वो भोग बनाते हैं। और वहां की ये मान्यता है कि जगन्नाथ जी को जो भोग चढ़ता है इतना से में ही पेट भर जाता है, कितना भी कोई भूखा हो केवल इतने से में पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है इंसान। क्यों बनाया, किस भाव से, किस भाव से बनाया? तो भगवान को जब भोग लगाए तो संकल्प में भी वो झूठा ना हो, संकल्प में भी झूठा नहीं होना चाहिए। अगर वो संकल्प में भी झूठा हो गया तो वो परम पवित्र सत्ता उसको स्वीकार नहीं करेगी। बहुत योग्युक्त होकर भोजन बनाना कोई काम का समय नहीं है। आज मैं माताएं बहुत बैठी हूं, उनसे कहना चाहूंगी कि आपका मूड अपसेट है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको टेंशन है, तो भोजन बनाने को डिले कर दीजिए। अगर आपने मूड अपसेट में बहुत सारे खराब फोर्स में टेंशन में भोजन बनाया तो परिवार के अंदर भोजन में जहर जाएगा, सबके मन खराब कर देगा, शाम तक आपके घर में कलह कलेश होगा ही, क्योंकि सबसे ज्यादा अन्न का असर इंजेक्शन की तरह मन पर होता है, और जैसे मन से बनाएंगे वो असर अन्न पर पड़ता है। साइंटिस्ट इस पर बड़ी बड़ी रिसर्च कर चुके हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च हो चुकी है इस पर। तो जब हम घर में भोग लगाएं या सेंटर पर भोग लगाएं, एक तो तृप्त मन, इधर चखा चुकी नहीं, मुंह बंद, हमारा तो नियम है जब तक बाबा को गुरुवार का भोग नहीं लगता हम कुछ नहीं खाते, भोग लगने के बाद ही कुछ खाते, नहीं तो नहीं खाएंगे, बड़े को 10 बजे लगे तब हम
बाबा को भोग लगाए। भोग लगाने से इमीडिएटली पुण्यों में वृद्धि होती है। अगर भोगनाएं बहुत जीवन में है, कष्ट है, तकलीफें हैं, असफलताएं हैं, तो भोग लगाइए, भोगनाएं मिटाइए। भोग में बड़ी ताकत है भोगनाओं को समाप्त करने की, पर अपने मन के भाव को जरूर चेक कर लेना कि मैं कैसे भाव से लगा रही हूं, क्योंकि भाड़ा केवल 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 भावना का मिलने वाला है, और वही भाड़ा मेरे पुण्यों में वृद्धि करेगा, जे पुण्यों को बढ़ाएगा। वैसे भी संसार में देखिए, जब किसी के ऊपर कोई ग्रहचारी आती है, कोई विपदा संकट आता है, तो वो अपने गुरुओं के पास, ज्योतिष आचार्यों के पास पहुंचता है राय सलाह लेने के लिए। बड़ी ग्रहचारी, नक्षत्र खराब हो गए, राहु बैठ गया, शनि आ गया, कुछ तो उपाय बताओ। अब जब वो एडवाइस लेने जाते हैं, तो आप कितने ध्यान से आज इस बात को विचार कीजिएगा, इमीडिएटली वो भी कुछ ना कुछ उनके हाथ से पुण्य कराते हैं, राइट? चिड़ियों को खिला देना, मंदिर में चढ़ा देना, मच्छियों को डाल देना, पंडितों को ब्राह्मणों को खिला देना, कंबल बांट देना, ये कर देना, अल्पकालीन पुण्य कराते हैं इनसे, ताकि इनके हाथ से एक तरफ पुण्य हो जाए, पुण्य का प्रभाव बढ़ जाए, तो भोगनाएं थोड़ी सी नीचे ना जाए, डाउन हो जाए, पाप का प्रभाव जो सामने है जिसकी वजह से भोगना है वो डाउन हो जाए, और जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा पाप का प्रभाव नीचे आ जाएगा, भोगनाएं खत्म हो जाएगी, इसलिए कराते हैं। लेकिन वो अल्पकालीन होता है, दो चार महीने चलेगा, उसके बाद फिर कोई कंडीशन, अरे किया तो था, कुछ असर लगा भी था, लेकिन फिर पुनः पुनः वही स्थिति। यहां जो हम बाबा के प्रति करते हैं, ये सदाकालीन स्थिरता है, क्योंकि ये भोग कौन से दिन लगाया जाता है, विशेष भोग जो लगता है वो कौन से दिन लगता है? सदगुरुवार। दूसरा शब्द क्या है, दूसरा नाम क्या है सदगुरुवार का? बृहस्पतिवार। संस्कृत का शब्द है ये, संधि विच्छेद कीजिए, इसका क्या बनेगा? वृक्ष पलश पति, वृक्ष के पति को भोग लगाते हैं हम। अब इमीडिएटली पुण्य कैसे बढ़ता है देखिए, आपने अपने घर में पौधा बोया, कुछ दिन के बाद आपने देखा कि वो मुरझा रहा है, क्या करोगे? इमीडिएटली तुरंत पानी डालोगे, कहां? जड़ तो नहीं सूख रही बहन जी, जड़ नहीं मुरझा रहा, आपने मुरझाए हैं पत्ते देखे, फूल देखे, कलियां देखी, लेकिन जल कहां डाल रही है? जड़ में डाल रही है, जबकि जड़ बिल्कुल सही है, फिर भी जल में डाल रही है। वो मेरे आंखों के सामने सामने ऊपर जाता है कि और नीचे जाता है? नीचे जाता है जी। कभी देखा अपनी आंखों के सामने कि मैंने इधर जल डाला और ऊपर चढ़ गया? नीचे जाता है। वो वृक्ष के अस्तित्व को टच होकर ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष में फैल जाता है। अगले दिन जब आप देखोगे तो जो मुरझाए हुए पत्ते फूल कलियां थी वो क्या हो जाएंगे? जबकि जल कहां डाला? नीचे। और प्रभाव कहां दिखा? ऊपर। वृक्ष पति, ये सृष्टि भी एक कल्प वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ कल्प वृक्ष, और इसका पति स्वयं शिव। जब हम अपनी भावनाओं का जल उस शिव को अर्पित करते हैं, तो उसका प्रभाव ऑटोमेटिकली पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है, पूरे वृक्ष में पहुंच जाता है। और जब उसका प्रभाव मेरे पास आता है, तो एक का बहुगुणा रूप में रिटर्न मिलता है, और यहां से मेरे पुण्य वृद्धि होना शुरू हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी
कौन सी दशा देख रही है और कौन सी उतर रही है? राहु का दशा। बृहस्पति दशा अच्छी होती है जो हमें सीधा कहा ले जाएगी जी, जो बृहस्पति दशा हमें कहाँ लेकर जाएगी और कितने जन्मों तक देख रही है। यहाँ किसी का बृहस्पति खराब होता है तो कहते हैं पीले कपड़े पहनना, केले की पूजा करना, उपवास करना, ये दान करना, तो तुम्हारा बृहस्पति फेवर में आ जाएगा। क्योंकि यदि बृहस्पति खराब हो जाए तो सीधा विवेक पे हमला होता है, सब कुछ खत्म होने लगता है, सुख शांति समृद्धि मान शान सब जाता है। लेकिन जिसकी कुंडली में बृहस्पति दशा बहुत उच्च क्वालिटी की होती है उसमें गज केसरी योग बनते हैं। और गज केसरी का मतलब है जिसके दरवाजे के सामने गज हाथी खड़े हो, जिसके पास केसरी मतलब शेरों जैसी शक्ति हो और ये राजाओं के पास होती है। यानी कि यही दशा राजाई योग बनाती है, गज केसरी योग बनाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारे माथे पर कौन सी दशा बैठी है? बृहस्पति दशा, जो तुम्हें सीधा स्वर्ग में किस जन्मों के लिए एंट्री देगी। अब बृहस्पति को अपने जीवन में लेने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है गुरुवार के दिन परम सद्गुरु को राजी किया जाए। अगर खुद बृहस्पति प्रसन्न हो गया, अगर उसकी कृपा दृश्य मुझ पर पड़ गई तो फिर किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरे को बिगाड़ सके। क्योंकि बिगड़ी को बनाने वाले की मेहर कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ चुकी है, अब किसी की ताकत नहीं कि कोई मेरी बिगाड़ सके। परंतु मैं फिर से बार बार एक ही बात को दोहराऊंगी, आवश्यकता किसकी है? भावना, स्वार्थ नहीं, कामना नहीं, इच्छा नहीं। उसको प्रसन्न करना है तो निस्वार्थ भाव से करना है, किसी के कहने से नहीं, किसी को देख कर नहीं, कोई मन में स्वार्थ पैदा करके नहीं, निस्वार्थ भाव। अब देखिए कैसे पुण्यों में वृद्धि होती है। जब किसी के मन में ये विचार आता है, ये संकल्प आता है कि आज के गुरुवार का भोग मुझे बाबा के साथ सेलिब्रेट करना है, संकल्प स्व इच्छा से आना चाहिए। अगर कहने से किया तो एक तो किया लेकिन लॉस हुआ मुझे 20%, क्योंकि जिसके कहने से मैंने किया 20% कमीशन उसको मिल गया, तो लॉस किसका हुआ? पूरा का पूरा किया मैंने और लॉस किसको हो गया? तो स्व इच्छा से करें। हम इस सभा में देखिए, मुझे लगता है 1000 के आसपास बैठे होंगे, है ना, 1000 तो होंगे ना, ये ज्यादा होंगे 1000 के आसपास। एक साल में गुरुवार कितने आते हैं? 52। 10 त्योहार लगा लीजिए जिसमें दिवाली, होली, मम्मा डे, 18 जनवरी, दादी डे वगैरह आते हैं, जो अलौकिक त्योहार, 10 कितने हो गए टोटल? 62। बैठे कितने हैं यहाँ पर? 1000 के आसपास कानपुर कनेक्शन में, ठीक है ना, कुछ कानपुर के हैं और कुछ कनेक्शन में है। अगर हम 5 लोग का ग्रुप बनाए, 10 लोग का भी ग्रुप बनाए, तो साल में 1-2 गुरुवार और 1 ब्रह्माभोजन आलिशान भगवान के लिए नहीं कर सकते क्या? उसके लिए उसके बच्चों को खिला नहीं सकते मिलके? हाँ या ना, क्या कहते हो आप? क्योंकि इससे बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है ना, मैं आपको अनुदान महादान बोला गया है, सबसे बड़ा दान अनदान है, नहीं कर सकते थी कैपेसिटी नहीं मेरी, करना चाहिए या नहीं? लेकिन निस्वार्थ भाव से, स्व इच्छा से होकर प्रभु के सामने से, जो स्व इच्छा से होता है उसे इच्छा अनुकूल प्राप्त होता है। इसीलिए स्व इच्छा मस्त कंपल्सरी है,
तो मरने की फुर्सत नहीं, तुझे इतने काम निपटाने हैं। अच्छा ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बहन जी दोपहर के टाइम लेट करके फोन करती है, भाई जी जाते जाते वो खा तो जाना। अरे बहन जी देर हो जाएगी, नहीं आ सकता, छोड़ो ना। भावना है कहीं दिखाई दे रही है? ऐसे की जब थाली ऊपर पहुंचती है तो भगवान भी परेशान से कहते, बच्चे तो याद प्यार दे देना, बस खत्म मामला। जिसकी जैसी भावना उसको वैसा। अब एक माता जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, बेचारी झोपड़ी में रहती है, मेहनत मजदूरी करती है, एक एक रुपया बचाती है, बुधवार की शाम मार्केट को जाती है, एक एक फल चुन चुन के लेकर आती है, छोटा सा बाबा के लिए फूलों का हार लाती है, बूढ़ी कांपते हुए हाथों से बहन जी को बोलती है, मेरे तिल फूल भगवान की थाली में समर्पित कर देना मुझ गरीब बच्ची का। बहन जी बड़ी भावना से हाँ तजी क्यों नहीं। जब वो थाली ऊपर पहुंचती है तो ऊपर वाला भी अपना सिंहासन छोड़ता है, 10 कदम आगे बढ़ता है, सर झुकाता है, दोनों हाथ फैलाता है और वो भोग स्वीकार करता है। क्योंकि भूखा केवल भावनाओं का है, वो भूखा है, वो उसे केवल भावनाओं से ही तृप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भूखा है तो अपनों में वृद्धि कैसे होती है? पतित पावन इस ब्रह्मांड की सबसे प्योर सत्ता को भूल लगने जा रहा है, कैसे स्थान पे बनना चाहिए। 99% कलयुग के अंत में प्योरिटी का माहौल है हर जगह, कुछ धार्मिक आध्यात्मिक स्थानों को छोड़कर किसी के घर भी पवित्र वाइब्रेशन वाले नहीं है, बहुत रेयरली मिलेंगे, बहुत रेयरली। लेकिन ये जो बाबा के स्थान है ये संपूर्ण पवित्र स्थान है। इन घरों में 24 घंटे में एक बार खुद बाबा चक्कर लगाने आते हैं, चाहे वो 2 सेकंड के लिए आए, पर 24 घंटे में वो चक्कर लगाने आता है। तो बताइए जिस घर में भगवान का आना जाना हो वो स्थान कैसा होगा, जहां सैकड़ों साधक बैठकर साधना करते हो, जहां बाल ब्रह्मचारी रहते हो, जहां नित्य गीता ज्ञान सुनाया जाता हो, जहां आत्माओं का प्रभु से मिलन होता हो, जहां दुखियों के दुख दूर होते हो, जहां आत्मदर्शन होता हो, जहां परमात्मा की पहचान प्राप्त होती हो, ऐसे पावरफुल पवित्र स्थान पर ये ब्रह्मा भोजन, ये भोग, ये प्रसाद ऐसी धरनी पर बनता है। अब इसको बनाने वाले कौन होते? धरनी का भी महत्व है, बनाने वालों का भी महत्व है। आज मैं आपको सामने से एक बात कहना चाहूंगी, जितना भोग लगाने का फायदा है उतना बनाने का भी महत्व है, परंतु कंडीशन। अगर आप नियम धारणाओं में पक्के हैं तो आप सामने से ऑफर कर सकते हैं बहनों को, हम ये भोग बनाने की सेवा करेंगे, चाहे भाई है चाहे बहन है, ऑफर कर सकते हैं, स्वेच्छा से नहीं दूसरे। अगर बहन जी हाँ बोले तो ठीक, नहीं बोले तो भी ठीक। अगर आप नियम मर्यादाओं में ढीले हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, भोग से दूरी बनाकर रखिए, नहीं तो पुण्य की बजाय पाप हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे पवित्र सत्ता के लिए बन रहा है, ये केवल पवित्र आत्माओं के हाथ से बन सकता है, ब्रह्मचारियों के हाथ से बन सकता है। इसीलिए इस बात का विश्वास